हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मैं वजह तो ब्रह्मपुत्र फूट फूट कर रोना शुरू हो गया क्योंकि उनका मन ही नहीं कर रहा उन्हें वापस करने को भगवान शिव जी को। और इस चीज का एहसास तो माता जी को भी हो गया कि भाई ये क्या गलती हो गई है मुझसे। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट ये देखना, ये क्या बोलेंगे कि हमसे ना लेकर जाएं? क्षमा कर दीजिए माता, यदि कुछ ही समय के लिए महादेव को पाकर उन्हें खोने का हमें इतना दुख हो रहा है तो आपको और पूरे संसार को कितना दुख हो रहा है। अरे यार, ये बात की ना आपने ब्रह्मपुत्र माता, हमारे कारण आपके अशुभ है। माता पार्वती जी ने साथ सही दिलाया है। क्षमा कर दीजिए, तो नहीं पता था ना कि योगा माता जी ने भी नहीं सोचा था। हम कभी नहीं चाहेंगे कि केवल हमारे निजीकरण के कारण महादेव की पूजा ना हो और वो अपना ईश्वरत्व भी खो दे। बिल्कुल, हम महादेव को उसी प्रकार लौटाएंगे जिस तरह देवर्षि नाद ने देवराज इंद्र को लौटाया था। इंद्र उसको तो जल्दी लौटाना था। चलो यार, ये मान गए यार, ब्रह्मा पुत्र यार, नहीं इनको भी पता चल गया, एहसास हो गया। आपने ये उपकार न केवल हम अपने तो समस्त संसार पे किया। ये तो है यार, सारी बात है, अपनी तो बड़े मसले हो जाते हैं। हमें सदैव स्मरण रहेगा। हाय हाय हाय, सबको आशीर्वाद दीजिए कि महादेव आपके पास ना होते हुए भी सदैव आपके साथ रहेंगे। ओए हाय हाय, और क्या चाहिए भाई? आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके दिमाग में, आपके गुरु बनकर सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगे। मतलब आपके सोचों में एक किस्म का वरदान समझिए। उसी प्रकार से जैसे आप चारों की मंशा है। अरे भाई, तो ये खुश नसीब होते हैं। पर देखना ब्रह्मपुत्र जी कैसे सुधरे, और यहाँ पे इनको ये दे अब दे। हो गए ना, भगवान इनमें से इनको हटा दिया कि ये सबके हैं, और ये दे हो गए, कबूल कर दिया। देख रहा, अब कुछ नहीं हुआ, मिट्टी नहीं बने। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, आप सब से कोई भूल नहीं हुई। आप सब ने मुझे अपना गुरु माना है, शीघ्र ही आप सबको स्वयं गुरु बनने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पे एक एहसास दिलाया गया कि भगवान शिव किसी एक के नहीं है। कोई कहता ना कि अगर सिर्फ मेरे हैं तो वो बात गलत है, वो सबके हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया सबको, और ऐसी घटनाएं घटी हैं तो बढ़िया, दुनिया को सबको पता भी है। कैलाश शीघ्र चली आए आए नहीं नंदी है फिर? कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन? अब कौन तपस्या कर रहा है, कौन इंतजार कर रहा है? कौन स्वामी? ऋषि गौतम। ओ, ये कौन है? ये आ चुके हैं ना ऋषि गौतम। क्षमा कीजिएगा स्वामी, ये आपने कल रात्रि से भोजन नहीं किया है, है? और अब तो दिन भी आधा निकल चुका है। ये क्यों नहीं कर रहे भोजन यार? चल करके कुछ ग्रहण कर लीजिए ना। नहीं अहिल्या, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। क्यों स्वामी, आपको इतना चिंतित पहले कभी भी नहीं देखा, बताइए ना क्या कारण है? ये शरीर
ये मन इस जीवन की उपयोगिता के बारे में सोच रहा हूँ। आपके जीवन की उपयोगिता तो आपके परिवार के लिए बहुत है। हाँ। आपका परिवार आप ही से तो पूर्ण होता है स्वामी। जानता, ये मेरा सौभाग्य है कि पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली। पत्नियां तो स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री, तुम सदैव ही मेरे जीवन में सुखों का कारण रही हो। ओबे पोयो, मैं नहीं पता था ये बात। ये ब्रह्मदेव की पुत्री है। किंतु अहिल्या, प्रत्येक जीवन यदि समाज के उत्थान हेतु अपना योगदान निरंतर न दे तो वो जीवन निरर्थक है, महत्वहीन है। ये देख, उन्होंने क्या एग्जांपल ईश्वर के पश्चात अपनी बेटी ऐसे घराने में कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे समाज में सुधार आए, मनुष्य जाति का जीवन स्तर और ऊंचा हो सके। आप महादेव की शरण में जाइए स्वामी, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो तो खुद ही आ रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि वेट कर रहे हैं ऋषि को। मुझे जाना होगा। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रहा था। ये दे, यानी के मुझे महादेव से मिलने हैं तो पुनः कैलाश जाना होगा। भगवान शिव जी को पहले पता चल जाता है, इन्होंने अभी बोला जी याद मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ये कैलाश जाने का न्याय सूत्र की रचना। ओ देखो, अबे इनके कैलाश पहुंचने से पहले ये यहां पर आ गए। इनके पता चल गया न्याय सूत्र धन्य भाग्य हमारे प्रभु। क्या बात है यार, क्या बात है। आश्रम में पधारे। आइए प्रभु। हम असुरों पर चारों दिशाओं से आक्रमण करेंगे ताकि उन्हें संभलने का अवसर ही ना मिले। असुरों गए तुम लोग, नीति बन रही है, आप बचाओ अपने आप को। अरे देव सेना जी भी तो है। हाँ। ये देख ना भाई, देव सेना तो खुद इन पे लट्टू हो गई है। लट्टू करने इनको आई थी, लेकिन सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। क्या उनके जाने से पूर्व मैं उनसे अपने हृदय की बात कह पाऊंगी? देखा, ये तो सच्ची में उनसे इश्क में पागल हो गई है, मतलब के लट्टू हो गई है प्यार में। सच्ची हो गई है, लेकिन इंद्र देव ने भी कहा है कि इसको प्यार में फंसाना है। इंद्र देव की तो अपनी जगह है ना, लेकिन जो एक्सप्रेशन। अच्छा, मीना कुमारी जी देख रही है। देवसेना की भी नजर पड़ी मीना कुमारी की। क्या बोला बच्चा? देवसेना की भावनाओं को मैं समझती हूँ, किंतु सेनापति देवसेना की भावनाओं से अनभिज्ञ है। दोनों को समीप लाने का प्रयत्न करना होगा। वो तो उनको तो नहीं है ना, वो तो चक्कर में नहीं है, उनको तो पता ही है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा प्रभु। क्या है? किंतु न्याय दर्शन की ही रचना क्यों? न्याय दर्शन सुख की प्राप्ति से अधिक महत्व दुखों से मुक्ति का होता है ऋषि गौतम, और दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध अनिवार्य हो जाए। प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा जब न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम, योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा। समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी। न्याय
दर्शन छह दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाएगा। अरे क्या बात है, ऋषि गौतम न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे। ओए ओए यार भाई साहब, भगवान शिव जी को तो कर दिया उन्होंने वापस। हाँ। लेकिन भाई दूसरी तरफ नीतियां भी जंगों की बन रही हैं कि भाई असुरों पे हमला करना है, चारों तरफ से ये घेरना कैसे उनको हिलने नहीं देना, यानी अब तो उनका नाश पक्का ही भाई, तभी अमन होगा ना यार, जारी बात है। और दूसरी तरफ से भाई देवसेना जी फुलन फुलन के प्यार में लट्टू है, बेशक जानी इंद्र देव ने भूला है लेकिन वो उनके प्यार में पड़ चुकी है ना चाहते हुए भी, क्योंकि भाई साहब क्योंकि एक छल में और एक सच्चे मन का पता चल जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर यही नजर आ रहा था कि भाई वो टोटली इनके प्यार में हो चुके हैं, और माता जी ने भी ये चीजें नोटिस की हैं, लेकिन माता जी ने यही बोला कि भाई अपने कर देंगे जी को ये चीजें तो नहीं पता, इनको आभास कराना होगा, यानी कि करीब लाना होगा, क्योंकि कार्तिकेय जी तो एक आम जिस तरह होता है रक्षा करने वाले, ख्याल रखने वाले, वो कर रहे हैं। देवसेना जी को शुरू से मुझे देख ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब कि इनको धोखा दे पाएंगे, क्योंकि वो अप्सरा कैसे ये काम कर सकती है, वही ना। लेकिन अब वहां पर वो भगवान शिव जी पहुंच चुके हैं ऋषि गौतम जी के पास, और उनकी जो पत्नी है वो ब्रह्मापुत्री है। अबे ये हमें बात नहीं पता, बाकी ब्रह्मा जी की बेटियां भी हैं यार। हाँ ये हमें नहीं पता, हालांकि पुत्रों का तो पता है, दास जी और वो जो चार पुत्र हैं। और बेटियां कितनी है ब्रह्मा देव जी की, ये प्लीज बताइएगा। हाँ और यार वो देख ना, वो यार मैं अब क्या इन लोगों का बोलू यार, के मतलब देख ना ब्रह्मा देव जी, इन सारों ने अपनी बेटी अपनी औलादे ऐसी जगह पर दी जाके इस दुनिया के लिए मिसाल बने गए, हर पैसा शैसा नहीं होता इस दुनिया को आगे, लेकिन आजकल लोग यही चीज, वरना उस वक्त भी तो मायल होते थे जिस तरह वो राजा माजा जी, लेकिन अपनी बेटी किन को दी, ऋषि गौतम मतलब ऋषि जियों को दिए, जो साधारण जिंदगी गुजार रहे थे। बिल्कुल, और एक दुनिया के लिए एग्जांपल है ये वाकई यार। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि एक रचना की आप करें कि मतलब वो जो सारा असूल ये मतलब सब कुछ नहीं होता कि भाई कोई मतलब ये ना कर, धर्म शर्म सारा सब कुछ जो, लेकिन अब ये आगे देखिए यार इसके, प्लीज इससे रिलेटेड आपने ना जरा एक्सप्लेन करके हमें बताइएगा, हमें इतना इस पे समझ नहीं आया, तो अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो